लास्ट एपिसोड में यूटा रीका को हक करता है और अब ये बोल रहा होता है, वो पहली बार था जब मैंने किसी लड़की को हक करा, वो काफ़ी बढ़िया फीलिंग थी। रीका काफ़ी वीक लग रही थी और अब उसके बारे में बोल रहा होता है कि तभी मकोटो सुन लेता है ये। यूटा तभी इसके मुंह पर लात मारता है और कहता है भूल जाओ ये सब। और अब रीका को दिखाया जाता है जो क्लब रूम में होती है और उस हक के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में सनाया क्लब रूम में आती है और यहाँ रीका को बैठा देख के बैठ जाती है और सोच रही होती है कि इसे हुआ क्या है। तभी रीका इसे हक कर लेती है। सनाया मन में कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर मेरी केयर करती है, और फिर रीका से कहती है मास्टर मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ आपकी, मैं आपकी फीलिंग्स रिटर्न नहीं कर सकती। अब रीका विंडो के पास जाके कहती है मैंने यूटा को हक किया, मैं यूटा को पसंद करती हूँ। सनाया बोलती है तुम मास्टर की फेक कॉपी हो, पहले फेक मोरी समर और अब फेक मास्टर। रीका अपना आई पैच ऊपर करके कहती है ये मैं हूँ सनाए। सनाए बोलती है इसका मतलब मास्टर डार्क फ्लेम मास्टर से प्यार करने लगी है। रीका कहती है हाँ। सनाए कहती है मास्टर मुझे जाना होगा कहीं, आपकी सर्वेंट होने के नाते मुझे उस पर्सन को मारना होगा जिसने आपका दिल चुराया है। रीका बोलती है मैं क्या करूँ। सनाए कहती है मास्टर क्या आई ऑफ द विकेट लॉर्ड ने डार्क फ्लेम मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। रीका कहती है हाँ। सनाए कहती है वो भी आपकी फीलिंग समझेंगे, मैं आपके साथ 2 साल से हूँ, मैं डेकेमोरी आपके बारे में सब जानती हूँ, आपको जिंदा करने की ज़रूरत नहीं मास्टर, द आई ऑफ द विकेट लॉर्ड सबसे स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक होगा। दूसरी तरफ यूटा मकोटो को बताता है कि वो रीका को पसंद करता है। मकोटो इसे गुड लक बोलता है और कहता है तुम काफ़ी लकी हो, टाकानाशी को 4th प्लेस मिली थी क्लास की हॉटेस्ट गर्ल की वोटिंग में और उसके जैसी लड़की एक दिन वो करने के लिए रेडी होगी। यूटा कहता है रेडी किस चीज़ के लिए, और अब यूटा इमेजिन करने लगता है जिसमें रीका कहती है यूटा मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में। यूटा कहता है चिंता मत करो मुझे भी नहीं है, और यहाँ पर यूटा मकोटो को मारने लगता है और काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हो जाता है। और अब मकोटो इसे बाय बोल कर यहाँ से चले जाता है और सीधे जाता है कुमिन के पास और कहता है क्या तुम मेरे साथ स्कूल डांस अटेंड करोगी। कुमिन कहती है ठीक है, तभी शिंका इन्हें बीच में टोक देती है। मकोटो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिंका कहती है क्या तुम बेवकूफ़ हो, हमें कल की परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, टोगाशी और टाकानाशी कहाँ हैं। तभी पीछे से सनाए बोलती है और काफ़ी गुस्से में होती है। शिंका कहती है अभी इसके लिए टाइम नहीं है, वो दोनों कहाँ पर हैं। सनाए कहती है वो दोनों घर चले गए एक साथ, डार्क फ्लेम मास्टर ने कहा कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है। नेक्स्ट सीन में रीका और यूटा एक साथ बैठे हुए होते हैं और रीका एक स्टोन निकाल कर विश करने लगती है कुछ। यूटा पूछता है ये क्या है, रीका बोलती है एक मैजिक स्टोन मेरी विश पूरी करने के लिए, डेकेमोरी ने मुझे ये दिया। यूटा कहता है तुम्हारी विश, रीका बोलती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो ये सच नहीं होगी। यूटा इसका स्टोन उठा के कहता है ये काफ़ी गर्म हो गया है। रीका कहती है विश जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा गर्म ये स्टोन हो जाएगा, और तभी इसे लात मार के गिरा देती है और खुद भी गिर जाती है। अब बारिश होने लगती है तो ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पर रीका कहती है मुझे भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी है, ये मेरी सीक्रेट विश से रिलेटेड है। यूटा कहता है अच्छा मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट कहना है लेकिन यहाँ पर नहीं। अब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं और यूटा बोलने ही जा रहा होता है कुछ, लेकिन तभी रीका का अम्ब्रेला उड़ जाता है। ये दोनों जाके ही अम्ब्रेला उठाते हैं। अब तभी रीका सामने की लाइट देख के हैरान हो जाती है और कहती है ये डांस कर रही है, और फिर कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ यूटा। ये सुनकर यूटा शॉक्ड हो जाता है और रीका काफ़ी एम्बेरस्ड फील करने लगती है और अपना अम्ब्रेला के पीछे छुप के कहती है यूटा आई लव यू। यूटा कहता है रुको मुझे पहले बोलना चाहिए राइट। रीका कहती है नहीं विकेट आई हमेशा पहले बोलती है। यूटा कहता है लेकिन मैं डार्क फ्लेम मास्टर हूँ राइट। रीका बोलती है द आई ऑफ द विकेट लॉर्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। यूटा इसका अम्ब्रेला लेके कहता है मैंने बोला ना मुझे कुछ बोलना है तो मैं बोलूँगा, और कहता है डार्कनेस की फ्लेम में जल जाओ और डार्क फ्लेम मास्टर की लव बन जाओ। फिर कहता है भूल जाओ इसे, लेकिन रीका कहती है नहीं बोलो। यूटा कहता है ओके, और फिर से डार्क फ्लेम मास्टर वाली लाइन बोलता है और कहता है डार्क फ्लेम मास्टर की लव बन जाओ, और रीका कहती है ठीक है। यूटा कहता है
क्या तुम्हारा सर मेरी चेस्ट पे नहीं होना चाहिए था? क्या तुम एम्बेरेस्ड हो? हाथ पकड़ना चाहोगी? लेकिन रीका अपनी पिंकी फिंगर ऑफर करती है और यूटा इसे पकड़ लेता है। अब यूटा घर पहुंचता है और यहाँ पे टोका होती है, जो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और इसे एक रेस्टोरेंट में लेके आती है बात करने के लिए, और इसे एक लेटर दिखाती है जो कि इटली के इनके मेन रेस्टोरेंट से आया होता है और टोका को ट्रेनिंग के लिए बुलाया होता है उन्होंने। यूटा कहता है ये तो अच्छी खबर है, मैं श्योर हूँ कि रीका, और फिर शांत हो जाता है। टोका कहती है तुम समझ गए ना, मैं उसे अकेले नहीं रहने दे सकती, तो इसलिए मॉम उसके साथ रहेंगी। क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? यूटा बोलता है ऐसा नहीं है कि रीका तुम्हारी मदर को हेट वगैरह करती है। टोका कहती है मॉम ने रीका से बात करने का ट्राई करा काफ़ी बार, वो रीका से पिछले 3 साल से माफ़ी मांग रही है डैड के बारे में ना बताने के लिए, और अब ये यूटा के सामने झुक के कहती है प्लीज़ कुछ करो यूटा, तुम ही हो जिसकी वो सुनती है, अगर तुम उसे एक नॉर्मल गर्ल जैसे एक्ट करने को कहोगे। यूटा कहता है रीका एक नॉर्मल गर्ल ही है, वो उस आई पैच को आर्मर की तरह पहनती है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करती है, जितना तुम सोचती हो रीका उससे ज़्यादा समझती है, वो वैसे एक्ट करती है क्योंकि कुछ है वो जिससे भाग नहीं सकती, फीलिंग्स जिसे वो फेस नहीं कर सकती, उसे उस पार्ट की ज़रूरत है। तुम और तुम्हारी मॉम जो चाहते हैं वो रीका नहीं चाहती। टोका कहती है उसे फेस करने में क्या दिक्कत है, यहाँ कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, ना ही आई ऑफ द विकेड लॉर्ड, वो डैड को कभी दोबारा नहीं देख पाएगी, वो कभी भी वो नहीं ढूंढ पाएगी जो उसे चाहिए, और उसे इन सब पे बिलीव करने देना इररिस्पॉन्सिबल है। अब इनके स्कूल का फेस्टिवल का दिन आ जाता है, शिंका यहाँ यूटा और रीका का वेट कर रही होती है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो होती है, तभी पीछे से कोई बोलता है ये तो मोरी समर है। शिंका पीछे गुस्से में देखती है तो यहाँ पे इसके मिडिल स्कूल के क्लासमेट्स होते हैं जो इसे मोरी समर की बातें याद दिला के चिढ़ाने लगते हैं, और शिंका भी इन्हें अब इनकी पुरानी हरकतें याद दिला के चिढ़ाने लगती है, और अब ये तीनों लड़ने लगते हैं। और अब सनाई आ रही होती है अपने बालों पर भारी सी चीज़ लगा के और कहती है मैंने अपनी पावर और बढ़ा ली है, और इसके बाल यहाँ अटक जाते हैं। मकोटो कहता है क्या तुम पागल वागल हो कुछ? दूसरी तरफ यूटा डार्क फ्लेम मास्टर बन चुका होता है कपड़े पहन के, और रीका इसे देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और इसे अपना डायलॉग बोलने को कहती है, और यूटा अपना डायलॉग बोल के सुनाता है इसे। रीका तभी इसकी पिक्चर क्लिक करने लगती है, और अब ये दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं और अपनी पिक्चर लेते हैं। अब इनकी परफॉर्मेंस होने वाली होती है और रीका जाने लगती है। यूटा इसे आवाज़ मारता है, रीका पीछे मुड़ती है तो यूटा कहता है नहीं कुछ नहीं। रीका इसके पास आके फिर से इसे अपनी पिंकी फिंगर देती है और इसकी फिंगर को टच करके चली जाती है। यूटा भी जाने लगता है, लेकिन तभी रीका की मॉम यहाँ आकर यूटा से उसके बारे में पूछने लगती हैं। यूटा कहता है सॉरी रीका यहाँ नहीं है अभी। ये कहती है क्या तुम उसे ये दे दोगे? वो अभी भी मुझसे मिलना नहीं चाहती। अब यूटा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और रीका के बारे में सोचने लगता है और कहता है क्या मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ? तभी शिंका कुमिन और रीका यहाँ पर आ जाते हैं, ये परफॉर्मेंस के लिए यूटा को बुला रहे होते हैं, लेकिन यूटा कहता है रीका अपना आई पैच निकालो। नेक्स्ट सीन में यहाँ अंधेरा हो चुका होता है, शिंका यूटा के पास आती है। यूटा कहता है क्या परफॉर्मेंस ख़त्म हो गई? शिंका कहती है हाँ, मैंने उसे और बदमाश लड़की ने मिलकर किसी तरह बस संभाल लिया साहब। यूटा कहता है आई एम सॉरी, और शिंका हंसते हुए कहती है वो काफ़ी सरप्राइजिंग था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वैसा कुछ बोलोगी। यूटा कहता है रीका का लंच अभी भी गर्म था और काफ़ी हैवी भी, जैसे कि वो भर रखा हो किसी चीज़ से। शिंका कहती है लव से? यूटा कहता है रियलिटी से। नेक्स्ट सीन में मकोटो को दिखाया जाता है जो माइक लेके बोलता है कुमिन सुयोरी प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और कुमिन यहाँ भीड़ में सोई हुई होती है और नींद में कहती है नो थैंक यू। अब शिंका यूटा से पूछती है टाकानाशी कहाँ गई? यूटा कहता है मैं उसे देख के आता हूँ। तभी यूटा रीका की आवाज़ सुनता है और भागते हुए जाता है, और रीका सबके सामने माइक में गाना गा रही होती है। टोका कहती है ये डैड का फेवरेट सॉन्ग था, और यूटा इसे देखते ही रह जाता है। अब सॉन्ग ख़त्म होने के बाद एक लड़की आके इसकी तारीफ करती है और कहती है क्या इस सॉन्ग की कोई इंपॉर्टेंस है तुम्हारे लिए? और रीका तभी अपना आई पैच निकाल देती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।